रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। बस एक दिन दे रहे हैं हम आपको देवीना, कोई इज्जतदार काम मिल गया तो हम सब यही रहेंगे, वरना आप सब हमारे साथ वापस जाएंगे। आप मेरी बहन को जॉब दे दें। गुड बाय देन मिस शनेल। अभी के अभी निकलो यहाँ से, अभी के अभी। मेरी एक रिक्वेस्ट थी। हाँ? आप मेरी फैमिली मेंबर्स को मत बताइएगा कि मैं यहाँ वेट्रेस की जॉब कर रही हूँ। विक्रम जी आप गलत समझ रहे हैं। मैं वही समझ रहा हूँ जो मेरी बहन मुझे बता रही है, और ये झूठ क्यों बोलेगी? ये आप इनसे पूछिए। मैं अपनी बहन को लेके जा रही हूँ, चलो। Finally, हम बम्बईया बनने वाले हैं। चुप कर ईशा, अगर माँ को पता चलेगा ना कि वेट्रेस की जॉब है, मैं तुझे बता रही हूँ, वो बिना सामान पैक के वापस लेकर चली जाएगी। और अगर उन्हें पता ही नहीं चला तो? मैंने आज तक कभी माँ को झूठ बोला है ईशा? मैं घर जाऊंगी और माँ को सब कुछ सच बता दूंगी। Of course, और वो सब समझ लेंगी। पागल। अच्छा सुन, वेट्रेस की जॉब के बारे में किसी और को पता है? हाँ। किसको? राहुल, वो रेस्टोरेंट आया था तो, पर उसने प्रॉमिस किया है कि वो किसी को भी नहीं बताएगा इस बारे में। आर यू श्योर? 100%। ओके कूल, तो टेंशन मत ले, मैं मॉम को हैंडल कर लूंगी। स्माइल प्लीज। मॉम, आपने हमें एक दिन का टाइम दिया था ना, गेस व्हाट? देव को असिस्टेंट मैनेजर की जॉब मिल गई है। वाओ, कांग्रेचुलेशंस देव। बस अब कहाँ रहेंगे और ये फिगर करना है। कुछ रेंटेड अपार्टमेंट्स कल देख लेते हैं, आई एम श्योर कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे। पता है कितना जलील वर्ड है ये? हमारे रुतबे और शान से मैच नहीं करता ये वर्ड मैनेज करना, खास तौर से दौलतगंज के महल को छोड़कर। मॉम खंडर है वो, सीरियसली। ईशा, and it's better for all of us that we stay here. I vote for Isha di. First time. हमें बॉम्बे का कुछ पसंद नहीं है। ये बिरयानी, this is just too spicy for my taste. माँ, congratulations Debu. Let me see. तुम्हारे मेजरमेंट से फिटिंग करवाया है, अदरवाइज हाउ विल मिस्टर राहुल नंदा फील एट होम? वो आ गए। चलो चेक करते हैं। टेबल खाली है, मतलब अभी तक नहीं आए। सैड नहीं होना, आ जाएंगे। मैम, कैन आई हेल्प यू विद योर ऑर्डर? तो क्या कह रहे थे तुम? ये सब तमाशा नहीं था, पैसे को लिए नहीं कर रही थी वो ये सब। वो एक्चुअली में बहुत कंसर्न थी, अगर उसको धोखा देके पैसे कमाना होता तो वो वेटर्स को जॉब नहीं कर रही होती। वेटर्स ऑफ वो एटीट्यूड देखा है उसका? थैंक यू, प्लीज, यस सर, नो सर, कर ही नहीं सकती वो। नहीं विक्रम, I don't think so कि उसमें attitude है। In fact, मुझे ना वो बहुत ही well mannered लगती है। ईशा, आप ईशा की बात कर रहे हो? मैं देवीना की बात कर रहा हूँ। देवीना, right? Now she's a sweet girl। Yeah. लेकिन यार, मैंने पता नहीं गुस्से में उसे क्या कुछ बोल दिया। अच्छा, दो मिनट लगते हैं गलती करने में। लेकिन ईशा को देखो, उसने एकदम से मेरी गलती पकड़ ली। वरना मैं तो मम्मी ने जो कुछ भी कहा उसकी बात मान ली, और I just blame that poor girl for nothing, for no fault of hers, really. Thank God for Isha. She's a smart girl. Attitude है पर intelligent. What do you think of her? Flowers भिजवा दो। No, that's okay. I'll manage. Isha के बारे में क्या सोचते हो? Spicy.
देखिए, गट में प्रॉब्लम करने वाली थे, कल यहाँ पर एक एक्सीडेंट पेशेंट एडमिट हुए थे, वो कहाँ पर है? बलाट पियर वाले? हाँ, वो जनरल वार्ड में है। आप यहाँ? आप नहीं तो मुझे तुम बोल सकती हो। बाय द वे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो, पर पेशेंट कहाँ है? पेशेंट सर्जरी के लिए गया। सर्जरी? सर्जरी क्यों? सिर्फ थोड़ी सी सर और पैर पर ही तो चोट लगी थी। पैर ठीक है, लेकिन कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हैं। सो विक्रम ने कहा है आई शुड टेक केयर ऑफ इट। थैंक यू। नो थैंक्स, यू शुड टेक ओवर। बाय द वे, जो तुमने किया है ना, इट टेक्स गट्स। आई एम इंप्रेस्ड। विक्रम, कम इन। मैं तो बस कल के लिए माफी मांगने के लिए आया था, दैट्स ऑल। ओह, नॉट अ प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड। सम वाइन? एक्चुअली फॉरगेट इट, होटल की सबसे बेस्ट चीप वाइन है। ईशा, बाय द वे, आई एम सॉरी अबाउट यस्टरडे। ओह प्लीज डोंट बी सॉरी, इनफैक्ट थैंक यू। मुझे तो लगा था कि लोगों को गलत समझने की बीमारी सिर्फ मेरी है, पर आपने मेरी गलतफहमी दूर कर दी। व्हाट्स हैपनिंग हियर? कल रात को मॉम, विक्रम जी को लगा था कि मैं देवीना और देवीना देवीना कोई और है एक्चुअली। ओह कम ऑन, आपसे इतने सालों बाद मिल रहे हैं, कोई एक बार में कैसे समझ सकता है? लेकिन मैं समझने की कोशिश करना चाहता हूँ, और इसलिए मैं सोच रहा था कि आप लोगों के जाने से पहले एक बार मैं आप लोगों को अपने यहाँ पर डिनर पे होस्ट करूं। हाँ, हम वापस नहीं जा रहे, वी की जॉब लग गई। सो डिनर टुनाइट? यस। आज? नो, एक्चुअली आज रात का हमारा प्लान है, राइट मॉम? हमारा डिनर कल है ईशा, आज नहीं। परफेक्ट, सो दैट्स अ यस देन। यस, वी एक्सेप्ट योर इनविटेशन। एंड आई रियली होप दैट देविना विल बी काइंड इनफ टू। Well, she's very kind. Really can't believe you invited them over for dinner. And I can't believe that you blamed Devina when it was your fault. Vikram, you think? Maine unhe dinner pe invite kiya hai so that we can apologize to them for the mistake that you made. Really? Yes. You made a mistake. We need to set it right tonight. Vikram, now don't stretch the point. You should know when to stop. Vikram. तूने सच में ऐसा कहा? Obviously, और मॉम नहीं होती ना तो धज्जियां उड़ा देती उसकी। पर ईशा, उन्होंने अपनी गलती मान ली, माफी मांग ली, अब बस करना, छोड़ ना। अब प्लीज सीन क्रिएट मत करो, अगर सीन क्रिएट करके डिनर खराब किया तो आई विल किल यू। शट अप यू हॉग। स्किन काफी अच्छा मेंटेन किया हुआ है तुमने। नॉट अ सिंगल रिंकल। सर्जरी? नो, बोटॉक्स। वाइन पिया करो तुम, पता है उसे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, स्किन खुद ब खुद ग्लो करने लगेगी। ईशा, देविना, मैं कल शाम के लिए तुमसे माफी। ओह नो विक्रम जी, इट्स पमी, यू वांटेड टू से समथिंग टू देविना। सॉरी? राइट, एक्सक्यूज मी, would you like to go for a drink? Of course, I'm dying to have a drink. Pami aunty, sorry bolne ki koi zarurat
That word does not exist in my dictionary. Rahul? Hi, darling. What took you so long? I love this song. I knew that. Tum acha lage. Listen. Hmm? Thanks. Come on, yaar. Main sun sun ke pak gaya hoon. Tum bol ke nahi thaki ho. It's okay. In the end, you were doing your job. That's all that matters, yaar. मैं बचपन से ही इतने बड़े घर में पैदा हुआ था। एक राज की बात बताऊं? मैं भी पहले वेटर था। तुम? या? वेटर? और उस चीज़ ने ना मुझे बहुत कुछ सिखाया। और इसलिए जो लोग मेहनती होते हैं, I respect them. Friends? Friends. दोस्त मैं ना तुम्हें दो मिनट में मिलता हूं. हेलो व्हाट्स अप. एक्चुअली आई वाज टॉकिंग टू योर सिस्टर राइट नाउ. शी इज डैम क्यूट ना. देखा मैंने. ओह तुम देखते भी हो. वो क्या है ना मुझे इग्नोर करना थोड़ा मुश्किल है. अब तुम्हारी गलती नहीं है. आई एम टू गुड लुकिंग. यू नो व्हाट आई मीन. दैट्स प्लीज. प्लीज. थैंक्स. थैंक यू. You okay? Yeah, I'm okay. ये आपका डिनर है? हाँ मैं फ्राइड और स्पाइसी नहीं खाता. जिन बेचारों के पास ऑप्शन नहीं होता ना वो ऐसा खाना खाते हैं. But you, by choice, variety is the spice of life. पर आपके खाने में ना तो variety है, ना तो spice. So boring. Shiitake in black pepper sauce, ma'am. Oh yeah, sure. That's it. Thank you. I'll also try some. Not bad, Vikram. You know what spices does to you, right? बच्चे नहीं हैं वो. खाने दीजिए ना. पनीर. Yeah, sure. That's it. Thank you. Yuck. I just hate paneer. किसी भी मसाले का टेस्ट ही नहीं चढ़ता. टड़ी फटावट दूध. सो आप लोग बॉम्बे में सेटल डाउन करने का प्लान कर रहे हैं? हाँ जी. ये हम सबके लिए बेहतर होगा. दैट्स सेंसिबल. या व्हाट्स सो सेंसिबल अबाउट इट. बॉम्बे में अच्छा ही क्या है. जब देखो तो ट्रैफिक, बाहर निकलो तो पोल्यूशन, जहां देखो तो स्लम्स दिखते हैं. I mean, मेरा बस चले तो मैं आप लोगों के दौलतगंज में जाके बस जाऊं. तो आप अभी क्यों नहीं चली जाती? What? No, I mean it's clean, it's fresh, it's amazing. और अब तो हमारा घर भी खाली. You can stay there. Oh, तो वहाँ का घर भी छोड़ दिया. यहाँ कहाँ रहोगे? सोचा है कुछ? मैंने ढूंढना स्टार्ट कर दिया है. देखिए आप लोग जो हैं वो हमारे मेहमान तो है नहीं, हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं. सो इफ यू वॉन्ट आप हमारे एनेक्स में रह सकते हैं. एक्चुअली That's a good idea. जब से वहाँ से shift हुआ हूँ, place खाली है. अरे राहुल, it's their life, their wish. क्यों force कर रहे हो? रूप, आप wine दीजिए. विक्रम, हम शाही खानदान से हैं और हम ऐसे किसी का favour नहीं लेते. No, not at all. On the contrary, मैं तो ये चाह रहा था कि आपकी बेटी को अपने office में hire कर लो. What nonsense? हमारी बेटी और आपके यहाँ नौकरी? माँ, please. मैं job के लिए ready हूँ विक्रम जी. कैसा भी कोई भी जॉब क्यों ना हो, I'm a very quick learner. Oh, I'm sure you are. But you know something, मैं सोच रहा था कि अपने लिए एक stylist hire कर लूँ. And I was wondering if Isha would be interested. आपको हमारी बेटी दर्जी लगती है? परी की वजह से आज तक हम आपको इज्जत देते आए हैं विक्रम. लेकिन आज आपने हमें यहाँ बेइज्जत करने के लिए इनवाइट किया है.
do you think we are? Excuse me. आपकी एक बेटी जो है वो वेट्रेस है और दूसरी बेटी अगर स्टाइलिस्ट बन जाएगी तो आपकी इज्जत घटती है। ये अच्छी बात है कि आपकी बेटियां काम करना चाहती हैं। I have huge respect for women who work. अगर आप लोगों की जरूरत है तो let them work. I'm sorry, ma'am. हमें पैसों की सख्त जरूरत थी और आप ही ने कहा था कि अगर एक दिन में नौकरी नहीं मिली तो फिर इज्जतदार नौकरी करने के लिए कहा था। No wonder, विक्रम ने ईशा को भी दर्जी। Mom, why are you stretching this? विक्रम एक अच्छे इंसान है और सिर्फ हेल्प करना चाहते हैं हमारी। जॉब ही तो ऑफर की है, कौन सा हम पर रहम खा रहे हैं? और एनिक्स भी, जो खाली पड़ा है। राहुल ने बोला ना, ये सब उसी के वजह से हो रहा है। दी, प्लीज गुस्सा छोड़ो, कॉन्सेंट्रेट। मॉम, हम ये ऑफर क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते? क्योंकि हम उनसे कम नहीं, उनके बराबर हैं। अगर हम उनके एनेक्स में जाकर रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे? कौन से लोग मॉम? साक्षी, माँ से कोई ऐसे बात करता? अभी सॉरी बोलो, माँ को सॉरी बोलो। ईशा, ईशा, जाने दो उसे। हाउ कुड यू? इसलिए मुझसे मिलने जा रहा। देवीना ने कहा था ना, टू कीप योर ब्लडी माउथ शट। तुमसे रहा नहीं गया ना? दैट्स व्हाई मैं उसको सॉरी बोलने। हाउ कुड यू बी सो इररिस्पांसिबल राहुल? तुम्हें पता है भी हमारी मॉम एक फैंसी डिल्यूशनल वर्ल्ड में रहती है और उन्हें हैंडल करने के लिए हमने देवीना के जॉब के बारे में झूठ बोला था और अब मॉम अपसेट है और देवीना गिल्टी एंड ऑल थैंक्स टू यू। अब हम बॉम्बे छोड़ के हमेशा के लिए जा रहे हैं। इट्स ओवर फॉर अस राहुल। लिसन, सुनो, मैंने विक्रम सर को ये बात इसलिए बताई थी ताकि उनको पता चले कि देवीना कितनी खुददार है। I didn't know कि वो। Of course you didn't know. इसलिए देवीना को तुम्हारी stupid sorry और बकवास explanation की कोई ज़रूरत नहीं है। She doesn't need it. And that's why Rahul, you leave from here and fuck off right now. I'm done with you. Excuse me? You heard me right. Go fuck yourself, fuck your life, fuck your lies, fuck everything, fuck you, Rahul, fuck your. Shh. I said I'm sorry. जो हुआ? सो हुआ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। जो भी मेरे सिस्टर को हर्ट करता है, ना तो मैं उसे छोड़ती हूँ, ना तो मैं उसे माफ करती हूँ। अगर तुम्हारी बहन ने मुझे माफ कर दिया तो ये जो तुम्हारा चार्म है ना, इससे वो पिघलने नहीं वाली। शी इज इमोशनल। बाय चांस सॉरी, अगर मैंने उसे फुल इमोशंस के साथ सॉरी बोला फिर तुम इमोशंस, इट्स अ जोक। सोच लो, अगर उसने मुझे माफ कर दिया, हाइपोथेटिकली सोचो, मैंने उसको सॉरी बोला और उसने मुझे माफ कर दिया, फिर तुम मुझे क्या दोगी? तुम्हें जो चाहिए वो। सोच लो, मैं कुछ भी मांग सकता हूँ। सो मैं ये मांगूंगा, जो हमने इसको बहुत गुस्से में किया ना, हम इसको और पैशनेटली करेंगे, स्लोली, आराम से, स्मूथली, डन?